बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द लाइट इज़ द ड्राइविंग एनर्जी ऑफ द फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस में लाइट किस तरह फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करती है, चलाती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, यानी कि लाइट जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी आर रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उससे मुराद ऐसी एनर्जी है जिसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती गुजरने के लिए, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी या रेडिएशंस। लाइट आगे बिहेव्स करती है एज अ वेव्स एज अ पार्टिकल्स। अगर ये वेव्स के तौर पर भी काम करती है, अगर ये पार्टिकल्स के तौर पर काम करेगी तो इसे हम कहेंगे फोटॉन्स। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइट है जो इस विजिबल, जो सबसे अहम लाइट है वो विजिबल लाइट है जिसकी वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर तक हो सकती है। यानी विजिबल लाइट से मुराद ऐसी लाइट है जिसे हम देख सकते हैं और इसकी वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर तक होती है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब द सनलाइट। अगर हम यहाँ पर देखें, क्लोरोफिल लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है, फिर उसे कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में और फिर इस्तेमाल होता है ड्राइव करने रिएक्शंस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को ड्राइव करने में इस्तेमाल होती है ये जो एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी में तब्दील की जाती है लाइट को। यहाँ पे हम इसे कैसे लिखेंगे, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइट, सबसे अहम जो लाइट है वो विजिबल लाइट होती है जिसकी वेवलेंथ 380 से 750 नैनोमीटर तक हो सकती है। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब द सनलाइट, यानी कि क्लोरोफिल सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है, उसे कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी में विच इज़ यूज टू ड्राइव द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में चलाने के लिए वो इस्तेमाल होती है। क्लोरोफिल लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, केमिकल एनर्जी में तब्दील कर देगा, उसे ड्राइव करेगा यानी रिएक्शन को चलाएगा, और किसको, रिएक्शन को, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन। जब लाइट किसी भी लीव में अब्जॉर्ब हो रही हो तो ऑल टू ऑल अब्जॉर्ब जो लाइट है वो इस्तेमाल नहीं होती फोटोसिंथेसिस में। यही कुछ इस पैराग्राम में लिखा है, नॉट ऑल द लाइट ऑफ फॉलिंग, नॉट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन द लीव्स, यानी कि नॉट नहीं, ऑल द लाइट, तमाम लाइट जो कि लीव्स में गिरती है वो ना तो अब्जॉर्ब होती है बल्कि इंस्टेड सिर्फ ओनली 1% जो होती है ऑन द लीफ, लीफ की सरफर पर वो ऑब्जर्व की जाती है, सिर्फ 1% ऑब्जर्व की जाती है। द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड, जो बाकी जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर दी जाती है या फिर ट्रांसमिटेड कर दी जाती है। आगे जो इन लाइट को जिसके ज़रिए से हम देख सकते हैं कौन सी लाइट कितनी ऑब्जर्व हुई है, कौन सी लाइट कितनी ऑब्जर्व नहीं हुई, उसके लिए हम एक स्पेक्ट्रम इस्तेमाल करते हैं। उसकी दो इकसाम हैं, सबसे पहले अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन लफ्ज से ही जाहिर है कि एक ऐसा ग्राफ जो कि एक पेगमेंट मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की लाइट को अब्जॉर्ब कर रहा है उसको दिखाता है ग्राफ की शक्ल में, उसे हम कहते हैं अब्जॉर्प्शन ग्राफ। अब्जॉर्प्शन नाम से जाहिर है, अ ग्राफ शोइंग द अब्जॉर्प्शन, जो कि एक ग्राफ होता है जो कि अब्जॉर्प्शन दिखाता है लाइट की ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ की बाय अ पिगमेंट, एक पिगमेंट के जरिए से, यानी कि एक पिगमेंट मुख्तलिफ किस्म की लाइट वेव्स को ऑब्जॉर्व कर रहा था उसे हम ग्राफ की मदद से जाहिर करना, इसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर क्लोरोफिल शो द, यानी कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो क्लोरोफिल के लिए होता है वो मैक्सिमम पीक को जाहिर करता है। वो मैक्सिमम पीक किसके लिए होती है, रेड लाइट के लिए होती है, ब्लू लाइट के लिए होती है। जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए रेड लाइट को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है और ब्लू लाइट को भी ऑब्जर्व करता है। जो क्लोरोफिल ए है वो रेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है 690 नैनोमीटर तक तकरीबन, और जो ब्लू लाइट है वो 630 नैनोमीटर की ऑब्जर्व कर रहे होते हैं क्लोरोफिल ए। ब्लू को 430 नैनोमीटर की वेवलेंथ को ऑब्जर्व कर रहा होता है और रेड जो होता है 690 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। क्लोरोफिल बी रेड लाइट को ऑब्जर्व करते हैं 450 नैनोमीटर तक और ब्लू लाइट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं 600
40 की नैनोमीटर तक। कुछ क्रेटोनाइट्स दूसरे पिगमेंट होते हैं फॉर द फर्दर अदर लाइट्स, दूसरी लाइट्स को ऑब्जर्व कर रहते हैं, जैसे कि वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन है और ऑरेंज है। अगर हम ग्राफ की तरफ आएं तो ऑब्जर्वेशन सबसे पहले उसने कहा कि जो रेड लाइट है जो क्लोरोफिल बी जज़ब कर रहा है, यहाँ पे देखें क्लोरोफिल बी रेड लाइट ऑब्जर्व कर रहा है 450 तकरीबन 450 तक लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो क्लोरोफिल बी है रेड लाइट को वो 450 तक ऑब्जर्व कर रहा है, और जो ब्लू लाइट है वो तकरीबन 640 नैनोमीटर तक ऑब्जर्व हो रही है, 640 नैनोमीटर तक ऑब्जर्व हो रही है। और रेड, अगर हम क्लोरोफिल ए को देखते हैं, क्लोरोफिल ए तो वो कहता है क्लोरोफिल ए रेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है तकरीबन 690, अगर हम यहाँ पे देखें 690 नैनोमीटर लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, और जो ब्लू लाइट है क्लोरोफिल ए जो ब्लू लाइट को वो 430 तक ऑब्जर्व कर रहा होता है, कितनी 430 तक। फिर सुन लें, क्लोरोफिल ए रेड लाइट को 490 तक ऑब्जर्व कर रहा होता है, जिस तरह ये है 490 तक रेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, जो ग्रीन कलर में दी हुई है वो रेड लाइट को ज़ाहिर कर रही है यानी क्लोरोफिल ए, और ब्लू लाइट जो कि क्लोरोफिल ए ब्लू लाइट है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है 430 नैनोमीटर तक, 430 नैनोमीटर तक, जो कि यहाँ पे दिखाई गई है ग्राफ की मदद से 430 नैनोमीटर। अगर हम क्लोरोफिल बी की तरफ आ जाते हैं, क्लोरोफिल बी 450 नैनोमीटर की लाइट, देखें ये जो रेड लाइट है, सॉरी ये क्लोरोफिल बी है, ये ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा था जो कि 640 नैनोमीटर की है, और रेड लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है जो कि 450 नैनोमीटर है। तो इस तरह हम ग्राफ को ज़ाहिर करते हैं। आगे आ जाते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो कि एफिशिएंसी को ज़ाहिर करता है डिफरेंट किस्म की वेवलेंथ का जो कि इस्तेमाल हो रही होती है फोटोसिंथेसिस को ड्राइव करने में। द ग्राफ शोइंग दिखा रहा होता रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ के असर को दिखा रहा होता है, ऑफ लाइट यूज टू ड्राइव, जो कि ड्राइव इस्तेमाल हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन को चलाने के लिए। डिस्कवरी की बात करें तो एक्शन स्पेक्ट्रम सबसे पहले एक साइंसदान था जो कि जर्मन का रहने वाला था, टी डब्ल्यू एंजलमैन, 1883 यानी 1883 में, फर्स्ट इट इज़ डिस्कवर डिस्क्राइब, सबसे पहले ये डिस्क्राइब किया गया था बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट टी डब्ल्यू एंजलमैन इन 1883 में। इसने 1883 में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था एक ग्रीन एलजी पर जिसका नाम था स्पाइरोजेरा, स्पाइरोजेरा। एक्सपेरिमेंट वाज डन ऑन द ग्रीन एलजी, ग्रीन एलजी पर एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसका नाम था स्पाइरोजेरा। मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ आर नॉट ओनली, यानी कि डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली डिफरेंटली ऑब्जर्व बाय द पिगमेंट बट आल्सो डिफरेंटली इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब है तो ना तो मुख्तलिफ किस्म की लाइट्स ऑब्जॉर्ब की जा रही होती हैं पिगमेंट से, बल्कि वो मुख्तलिफ तरीकों के ज़रिए से, यानी ना तो मुख्तलिफ पिगमेंट ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, ऑब्जॉर्ब था डिफरेंट किस्म की लाइट को ऑब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, बट आल्सो बल्कि वो मुख्तलिफ किस्म का असर भी रखते हैं फोटोसिंथेसिस पर, यानी फोटोसिंथेसिस का चलाने के लिए। मिसाल के तौर पर रेड और ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस को सबसे ज़्यादा चला रही होंगी। ग्रीन और येलो लाइट है वो ऑब्जर्व नहीं होती, वो ट्रांसमिटेड हो रही होंगी। तो यही वो बयान करना चाह रहा है कि डिफरेंट वेवलेंथ आर नॉट ओनली ऑब्जर्व
ना तो वो कहता है डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म की वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही होती हैं पिगमेंट के ज़रिए से, बल्कि वो मुख्तलिफ असर भी रखते हैं फोटोसिंथेसिस पर। द एक्शन स्पेक्ट्रम कैन आल्सो बी डिटरमाइंड बाय टू वेज, हम एक्शन स्पेक्ट्रम को दो तरीकों के ज़रिए से भी बयान कर रहे होते हैं। नंबर एक, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा हो तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, यानी रेड और ब्लू लाइट को अब्जॉर्प्शन उनकी ज़्यादा हो रही है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा पौधे अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से जारी है। आगे, जब फोटोसिंथेसिस का अमल तेज़ी से जारी होगा, रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही होगी, तो हम दो तरीकों के ज़रिए से, कंजप्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और रिलीज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिलीज़ करना, इसके ज़रिए से हम बता सकते हैं कि किस तरह लाइट अब्जॉर्ब हो रही हैं, किस तरह लाइट अब्जॉर्ब नहीं हो रही, लाइट कितनी अब्जॉर्ब हो रही है, कितनी अब्जॉर्ब नहीं हो रही, इसकी बुनियाद पर हम बता सकते हैं कि किस पौधे में कितना फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है। तो जर्मन बायोलॉजिस्ट टी डब्ल्यू एंजलमैन ने 1883 में एक स्पायरोजेरा बैक्टीरिया, उस पर अमल किया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक्शन स्पेक्ट्रम का, तो वो हम थोड़ा सा बयान कर लेते हैं कि वो किस तरह उसने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। अगर हम डायग्राम में देखें तो लाइट एक प्रिज्म में से जब गुजरती है तो ये अपने 7 कलर्स में बट जाती है, 7 कलर्स में। आप देख रहे हैं कि ये 7 कलर्स में बट चुकी है लाइट, जब जैसे ही प्रिज्म में से गुजरी, इंडिगो है, येलो है, ग्रीन है, वायलेट है, ऑरेंज है, ब्लू है और रेड है। तो सबसे पहले साइंसदान ने क्या किया, सबसे पहले इल्यूमिनेट फिलामेंट ऑफ स्पायरोजेरा विद द लाइट, यानी कि स्पायरोजेरा का जो स्ट्रक्चर थी वो फिलामेंटियस थी, फिलामेंटियस थी यानी थ्रेड लाइक, ये देखें थ्रेड लाइक थी, फिलामेंटियस स्ट्रक्चर थी। जैसे इल्यूमिनेट का मतलब है किसी चीज़ पर कोई चीज़ मारना, बुछाड़ करना उसकी, वो कहता है जैसे ही फिलामेंट ऑफ स्पायरोजेरा, स्पायरोजेरा के फिलामेंट पर विद द लाइट, लाइट डेट हैड बीन पास्ड गुजरी, जैसे ही देखें इधर डायग्राम में, जैसे ही लाइट गुजरी पास थ्रू अ प्रिज्म, यानी एक प्रिज्म में से जैसे ही लाइट गुजरी तो ये अपनी डिवाइड हो चुकी थी 7 कलर में, इट हैज़ बीन डिवाइड इनटू 7 कलर, ये 7 कलर में डिवाइड होगी। फिर इसने क्या किया कि चंद एक एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि इस अमल का एक्सपेरिमेंट चेक करने के लिए कि किस रीजन में स्पायरोजेरा में कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, इसने कुछ एरोबिक बैक्टीरिया फिलामेंटस स्ट्रक्चर पर छोड़े। जैसे ही इसने एरोबिक बैक्टीरिया छोड़े तो कुछ एरोबिक बैक्टीरिया को आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, वो रीजन जहाँ पर रेड लाइट अब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही थी यानी फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा था, उस तरफ बैक्टीरिया ने मूव ज़्यादा किया। तो इससे पता चला कि वो जिस तरफ एरोबिक बैक्टीरिया ज़्यादा मूव कर रहे हैं उस तरफ फोटोसिंथेसिस का अमल ज़्यादा हो रहा है। तो यही कुछ फिक्रें लिखा गया है, एरोबिक बैक्टीरिया मूव टूवर्ड्स द पोर्शन, यानी पोर्शन की तरफ जाता है एल्गल फिलामेंट एम्प्टिंग द मोस्ट ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया उस पोर्शन की तरफ एल्गल के फिलामेंट की तरफ मूव करते हैं जो कि ज़्यादा ऑक्सीजन खर्च करते हैं। बैक्टीरिया सेल मोस्टली ज़्यादातर मूव द ब्लू एंड द रेड पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड पोर्शन की तरफ हरकत कर रहे थे। दोबारा फिर अगर रिपीट करें तो लाइट जैसे ही प्रिज्म में से गुजरी अपने 7 कलर में से ये डिवाइड होगी, तो एंजलमैन ने जैसे ही देखा कि इस पर कुछ बैक्टीरिया छोड़े, बैक्टीरिया छोड़ने के बाद उसने ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया, अब देखें यहाँ पे जो कुछ थोड़ी इंडिगो थोड़ी सी कम ऑब्जर्व होती है, येलो ना ऑब्जर्व नहीं होती बल्कि ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है, इसमें बैक्टीरिया ना होने के बराबर होते हैं, यहाँ भी बैक्टीरिया ना होने के बराबर हैं, यहाँ पे वायलेट ऑब्जर्व होती है, यहाँ पे कुछ मॉडरेट बैक्टीरिया थे, यहाँ पे भी मॉडरेट बैक्टीरिया थे, और ब्लू कुछ रेड की नस्बत थोड़ी सी कम ऑब्जर्व होती है, इसलिए ब्लू में कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा आए और रेड सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व होती है और रेड में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया आए। तो यही कुछ है कि उसने ये परफॉर्म करने के लिए कि कैसे लाइट कितनी ऑब्जर्व होती है फोटोसिंथेसिस का अमल,
कब ज़्यादा होता है फोटोसिंथेसिस लेवल, कब ज़्यादा नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट को बयान करने के लिए उसने ये एक्सपेरिमेंट एक स्पायरोजेरा जो कि फिलामेंटियस स्ट्रक्चर रखता था उस पर ये अमल किया। उम्मीद है आप लोगों को आज के लेक्चर समझ आया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।